इंडियन आर्मी में आ चुकी है भर्ती, कौन कर सकता है अप्लाई कौन नहीं, चलिए जान लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, मेरा नाम साजन कुमार है और आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए अगर आप अपनी स्टेट की भर्ती मिस नहीं करना चाहते। अभी कल ही हमने एक और स्टेट हरियाणा के बारे में बताया है और आज फिर से एक और स्टेट की रैली आपको सबसे पहले हम लेकर आए हैं यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं इसकी पूरी डिटेल, कौन कर सकता है अप्लाई कौन नहीं कर सकता और आपको कैसे करना है ऑनलाइन अप्लाई उसके बारे में भी और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है एवरीथिंग। उससे पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि समझ आया क्या .in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का अगर कोई अपडेट आता है तो वो कोई अपडेट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो दिल्ली, गुजरात कह सकते हो या फिर नीचे हरियाणा, झारखंड, सभी स्टेट की भर्ती मैंने इस पेज पे अपडेट करके रखी हुई है। तो आप लोग ये लिंक सेव कर लीजिए अपने पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे सेव करके रखिएगा। आप लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं अगर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते। आप लोगों को बता दूं आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट से खुद भी पता कर सकते हैं। ये कैसे पता करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी हमें ये जानना है कि अभी जो भर्ती निकली है वो कहाँ की है। दोस्तों अभी जो भर्ती निकली है वो निकली है गुजरात स्टेट में। जो भर्ती होगी कौन से स्टेडियम में होगी, कौन सा वेन्यू होगा, ये है SRP ग्रुप 4th ग्राउंड गोदारा पंचमला डिस्ट्रिक्ट कुछ करके ये है पंचमल, जो भी आप बोलना चाहें। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे 21-3-2018 से लेके 4-5-2018 तक। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रही है जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अहमदाबाद, आनंद आगे है, बनास, शंकंता कुछ, बहारुच है, दंग है, दोहद है, गांधीनगर है, खेड़ा है, महासना है, नर्मदा है, नवसारी है और ये पंचमहल है और पतन है, सबार, कंथा है, सूरत है, वडोदरा है, वलसद है, तपी है, अरवाली है, महासागर है, महीसागर जो भी है महीसागर है, छोटीद्वीपर है, दादरा है एंड नागर है एंड हवेली दमन है। तो इन डिस्ट्रिक्ट के लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए। और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट की जैसे बविया, नगर, अमरेली वगैरह की भी निकली हुई है। तो देखिए अगर आप यहाँ से पता करना चाहते हैं तो आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। या फिर आप इस पेज को सेव कर लो, अगर आपके मोबाइल में प्रॉपर नहीं चलती इंडियन आर्मी की वेबसाइट तो मैं आप लोगों को ये लिंक दे रहा हूँ समझ आएगा.in। इस पेज को सेव कर लो, डेली अपडेट करके देखते रहो करो कि आपकी स्टेट का नाम आया है या नहीं। पहले ए होता है, फिर जी, फिर जे, ऐसे करके मतलब ABCYZ मैंने नेम दिए होते हैं तो अपनी स्टेट का नाम आप देख सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों को पहले ये भी अब सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे मतलब ये चीज सेट कर सकते हो कि आपकी स्टेट में भर्ती कब आएगी और कैसे पता चलेगा, मेरे को आखिर कैसे पता चल जाता है। तो चलो आपको भी सिखाते हैं मेरे भाई, ये कोई बड़ी ट्रिक नहीं है कि यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी पता कर सकता है, घर बैठे हुए आप इस सर्विस का मजा ले सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल गूगल में जाके ना सर्च करना ज्वाइन इंडियन आर्मी, ठीक है, ये सर्च करना ज्वाइन इंडियन आर्मी दोस्तों। उसके बाद आपके सामने ना देखो सबसे पहले नंबर पे एक वेबसाइट ओपन होती है joinindianarmy.nic.in, इस पे बस आप लोग क्लिक करना। क्लिक करते ही दोस्तों एक काम किया करो यार, थोड़ा वीडियो को लाइक किया करो, आपके लाइक्स थोड़े से कम आ रहे हैं तो फिर मजा नहीं आता यार, ठीक है। तो बस जैसे ही ये ओपन होगा मोबाइल से देखो या किसी से भी, तो ये इस तरह से कोड होता है, कोई और होगा आपके सामने, बस आपने वो यहाँ पे डालना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो ना उसके बाद क्या होता है देखो, आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नीचे आओगे ये देखो लिखा है रैली प्रोग्राम, बस यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे ऑल इंडिया स्टेट की आप रैली चेक कर सकते हो, जहाँ पे ऐसे जाओ बस देखो दमन एंड दीव, बस क्लिक किया मैंने किसी और स्टेट पे और सर्च किया तो बस यहाँ पे देखो अभी बता रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब यहाँ पे अभी भर्ती नहीं चल रही है। जैसे अभी गुजरात है या फिर हरियाणा का मैं सर्च करता हूँ, हरियाणा मैंने सर्च किया तो देखो इसने यहाँ पे मुझे हरियाणा के लिए बता दिया कब है कब नहीं है। तो बस आप ऐसे चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो वैसे तो मैंने यहाँ पे सारा अपडेट किया हुआ है, आप देख सकते हो अपनी जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट जो पूरा होता है देखो मैंने बताया हुआ है। तो चलो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आप जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, जैसे सोल्जर GD है, टेक्निकल क्लर्क है, नर्सिंग है, सेल्समैन वगैरह जो है, सारी की सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप लोग अप्लाई कर लेना, आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना वो 20-5-2018 के पहले आ जाएगा, 7-8 दिन पहले डाउनलोड कर लेना, तभी से आपकी रैली भी स्टार्ट होगी 20-5-2018 से। बाकी दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ना अभी मैंने लेटेस्ट 2018 की वीडियो बना दी आप सबके लिए, तो वो ये वीडियो है। तो ये वीडियो मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इस पेज पे भी मिल जाएगी, इस पेज पे भी आपके देख सकते हो। वरना फिर अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो ना
तो आप लोगों को ये देखो यहाँ पे ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चलती है, चैनल पे नहीं मिलती है, तो आपने क्या करना है, हमारी प्लेलिस्ट में जाना है। ये देखो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सबसे ऊपर देखो मोबाइल से भी आपको दिखेगी, बस प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ना आप लोगों को एक इंडियन आर्मी के स्पेशल टॉपिक आएंगे। ये देखो ये है ना इंडियन आर्मी स्पेशल टॉपिक। दोस्तों इसमें बहुत सारी वीडियोस है जो आपको मिलेगी, जिसमें हाइट कैसे चेक करते हैं सबसे पहले नंबर पे, हाइट, एज, क्वालिफिकेशन सब कुछ ऑनलाइन पता कर सकते हो आप। बाकी रही बात दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपको क्वालिफिकेशन का नहीं पता चलता है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों ने सीधा ही ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। बस ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एंड में जब आप डिटेल फिल करोगे ना अपनी क्वालिफिकेशन की, तो आपको इंडियन आर्मी वाले खुद पूछेंगे कि भाई आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये पोस्ट है, तो बस आपने वहां पे क्लिक कर देना, वहां से अप्लाई कर देना, ठीक है। तो बस आप एक बार इस कंप्लीट वीडियो को देखो, जैसा जैसे मैंने इस वीडियो में बताया बस वैसे वैसे करते रहना। अपनी 10th की क्वालिफिकेशन भी डाल देना, मैंने एंड में ना इस वीडियो में सिर्फ 12th की डाली है, आप 10th की भी डालना, तो आप लोगों को आप स्टार्टिंग में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन आर्मी एंड में वही क्वालिफिकेशन फाइनल करेगी, पोस्ट फाइनल करेगी जिसमें आप एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कमेंट कर देना, मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बाकी अपनी स्टेट नीचे मेंशन कर देना आपकी कौन सी स्टेट है, ताकि उसका अगर अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी बेल आइकन सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि कैसे हम इंडियन आर्मी की रैली पता कर सकते हैं, और फास्ट अपडेट कम से कम उनको भी मिल सके, उनकी भी रैली जो है वो मिस ना हो सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जिसमें मैं बताता हूँ अपने बारे में अपने व्यूज, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसका नाम है साजन एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।